आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। ये वही गटर है जो हम आपको पहले से दिखाते आ रहे थे, गट नंबर 176 गौसिया नगर रमजानपुरा वार्ड नंबर 3 की। अब ये गटर का मटेरियल है, कितना महीना हुआ था ये बनने? 2 महीना। 2 महीना पहले गटर बनी है और गटर टूट रही है, और इसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथों में जो मटेरियल है ये पूरी तरीके से मतलब ये ग्रिड में मतलब इसका काम हुआ है, जबकि ये काम रहती है। ये देखिए आप, मेरे हाथ लगा रहा हूँ और ये मटेरियल मेरे हाथ में आ रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम हुआ है। बताइए, जो रमज़ानपुरे की आवाम है सालों से तकलीफ़ परेशानियों में जूझ रही है, जब उन्हें थोड़ी सी राहत मिलने का वक्त आया तो इस तरीके के कॉरपोरेटर और ठेकेदार मिलकर बोकस काम कर रहे हैं। इस तरीके का ख़राब मटेरियल में इस्तेमाल के 2 महीनों के अंदर ही गटरे टूट जा रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कौन सी क्वालिटी में काम है पूरी तरीके से, इसमें बताइए ये क्या टिकेंगी ये गटरे। इस तरीके से वार्ड के आवाम के साथ और आवामी पैसे के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, इस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल इन गटरों में किया जा रहा है। 2 महीनों में गटरे टूट रही है, जिसका इस्तेमाल भी आवाम को मतलब नहीं मिल पा रहा है, आवाम सही ढंग से इसका फ़ायदा उठा नहीं पाई और गटरे टूट रही है। ये देखिए पत्थर, ये इस तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल इसमें हुआ है, आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर मतलब डाले गए हैं और ये रॉ मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है। पीछे भी पत्थर, कोई भी इंजीनियर कोई भी ठेकेदार यहाँ पर आकर ये देखने को तैयार नहीं है, सिर्फ बिल बनाकर बिल पास कर दिए जाते हैं। बताइए गटरों की साइज भी आप देख सकते हैं कि कितनी साइज की ये गटरे बन रही है। बताइए ऐसे कामों से वार्ड के आवाम को क्या राहत मिलेंगी? वार्ड के आवाम टैक्स भरती है, कॉरपोरेशन को पैसा देती है, कॉरपोरेशन के इलेक्शन में अपने प्रतिनिधि अपने कॉरपोरेटर जीत कर भेजती है, इस उम्मीद के साथ कि क्या रमज़ानपुरे की आवाम सालम साल इसी तरीके की तकलीफ और परेशानियाँ उठाती रहेंगी। सालों से वो तकलीफ़ और परेशानियाँ उठाती आ रही है। ये देखिए, हमने आपको पहले भी दिखाया कि किस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल, ये देखिए इस तरीके से नाकस और बोकस काम हुआ। हम ये चाहते हैं कि इस काम की चौकसी होनी चाहिए और जो ठेकेदार है ऐसे बोकस काम ऐसे बोकस ठेकेदारी करने वालों के को ब्लैकलिस्ट किया जाए, उनके चेक रोक दिए जाए, और उन कॉरपोरेटरों पर जिनके फंड से ये बोकस काम होता है उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जहाँ से शुरू हुई है हमने आपको दिखाया कि आगे ये गटर किस तरीके से ब्लॉक है, मतलब इसके पानी की निकासी भी नहीं है, और दूसरी बात सबसे अहम ये कि इस तरीके की बोकस काम जो हुए कि 2 महीने में इस तरीके से ख़राब क्वालिटी के अंदर इस गटर को बनाया गया है कि आवाम इसका फ़ायदा ले भी नहीं पाई है और उससे पहले ही ये गटर टूट रही है। इस तरीके के बोकस काम की मतलब हमने आपसे कहा कि चौकसी होनी चाहिए। ये देखिए आठ मिनट आप पूरी तरीके से ये गटर आगे जाकर उठाने की कोशिश, इतने बड़े बड़े पत्थरों के साथ में ऊपर ऊपर यहाँ पर कि वो जाकर आवाम के पैसे की लूट मार करे, फ़ायदा उठा ही नहीं पा रही है। मैंने 2 महीने में जब गटर का ये हाल है तो 5 साल वो कहाँ से टिकेगी? आप क्या चाहते हैं कि ये गटर की चौकसी होनी चाहिए, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए, और जो कॉरपोरेटर मतलब इसका मतलब जिसने फंड मतलब लगाया, कॉरपोरेटर से लेकर के ठेकेदार तक पूरी इंक्वायरी होना चाहिए, और जो भी इसका बिल पास हुआ है इसको पर पहले रोक लगाओ, आगे चौकसी करो, उसके बाद इसको सही तरीके से बनाओ, उसके बाद इसका बिल पास किया जाए। 3 गौसिया नगर गट नंबर 173 यहाँ पर जो गटर और रोड का काम हुआ है ये बहुत ही ख़राब हुआ है, बस्तर हुआ है, एकदम चालू काम हुआ है, इससे हमको फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है। पहले लोगों के घरों में पानी नहीं जाता था, इससे पूरा पानी बह जाता था, लेकिन अब ये गटर बन जाने की वजह से पानी बह नहीं पा रहा और पानी घरों में घुस जा रहा है, और बार बार हम लोग शिकायत भी कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कितने महीने पहले बनी गटर? 2 महीने पहले। अभी गटर है महफूस? टूट जा रही, सब जगह जगह पर टूट गई है, अपने आप सब वो टूट जा रही गटर, एकदम कमजोर काम हुआ है, खराब काम हुआ है। कह रहे हैं कि जैसे गटर बना है तो कुछ है क्या, वो गटर के अंदर पानी भरने की जगह क्या क्या, सब उलट मच्छरों की बीमारी फैल गई है, डेंगू हो रहे है, बच्चे टाइफाइड हो रहा है, हाँ क्या मतलब आ रहा गटर बना के फिर? ये गटर बहती भी नहीं? नहीं बहती गटर, सब हो जगह जगह पे मट्टी लगा दिए ले, उधर आगे पानी जाने जगह नहीं है। और गटर गटर कब बनी है? गटर क्या अभी दो ढाई महीना हो रहा है, लेकिन गटर तो जगह जगह से टूट के खत्म भी हो गई। टूट भी गई वो सब, ऐसे ही पोकल मटेरियल लगाए ले, कोई कब काम का है क्या मटेरियल? अब पैसे खा लिए तो सही है, पैसे खाए नहीं तो क्या करे, ये दुनिया भर की बीमारी फैला के चले गए, और वो तो कच्ची गटर अच्छी थी, वो हिसाब से सामने दुनिया भर की गंदगी है,
सब आते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और कोई कुछ नहीं करता, कब तक इंसान परेशान रहेगा। तो मतलब आप मेंबर को कुछ बोलते नहीं क्या ऐसा? इन मेंबर कौन थे इधर, ये ऐसा बोगस काम हुआ है? तो यही काम करते हो, बोगस काम बोलो तो बोले इतना भण मिला है उतना मिला है, पूरा नहीं बन रहा, हम क्या करेंगे। ऐसी बात नहीं हुई ना कि देखो सीमेंट लगाए हम लोग और जो जो बाकी है ना गटर बनी है ना सीमेंट लगाए नहीं, जो फाड़ी सिर पर रखी है क्या चोरी की है ना, सिर पर रखी है, नीचे पानी जा रहा है, नीचे जमीन में जा रहा है, दीवार में जा रहा है, अभी देखो आगे चल रहे, देखो मैंने खुद सीमेंट लगाई और सामने वाले ने सीमेंट लगाई है, किनारे किनारे पानी दीवार में घुस रहा है और नीचे घुस रहा है पानी, कोई फायदे की गटर है क्या? देख ना मेरे घर में आगे सामने से ऐसे गटर बनी है, सही ढंग से गटर बनी नहीं है, वो कस काम हुआ? चल के देखो तुम, तुम्हारी आंखों से देखो तुम, चलो गटर कैसे बनी है, हम लोग सीमेंट लगाए आजू बाजू में सामने वाले भाई और हमने भी लगाया सीमेंट, खड्डे में पानी दीवार में जा रहा है पानी और तुमको बोलो नीचे जमीन में घुस रहा है पानी, सिर पे फारसी रखी हुई है, बस खड्डों में पानी सिर्फ रखी है, थूक लगा के चिपकाया गया है ऐसा।